राम राम जी, कैसे हो आप सब। मैं सुमित। तो आज के वीडियो में जी हम बात करने वाले हैं कार मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज की। अभी की जो भी ताजा खबरें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। और आज की वीडियो हम शुरू करने वाले हैं जर्मन से, मतलब स्कोडा और फॉक्सवैगन से, और इसको एंड करेंगे अपनी देसी इंडियन टाटा के साथ। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो भाइयों, सबसे पहले जो न्यूज आ रही है वो है स्कोडा और फॉक्सवैगन की तरफ से। अगर आप इन दोनों की स्कोडा या टाइगन गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए थोड़ी सी निराशाजनक न्यूज है। सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज की वजह से स्कोडा ने अपनी कुशाक में और फॉक्सवैगन ने अपनी टाइगन में जो ऑटो फोल्ड ORVMs आते हैं उनको हटा दिया है। जी हाँ, किसी भी वेरिएंट में अब आपको ऑटो फोल्ड ORVMs देखने को नहीं मिलने वाले। अब इनको आपको मैनुअली खोलना पड़ेगा, मैनुअली बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऑपरेट करते हैं वो भी चिप के थ्रू ही करते हैं। जब आप गाड़ी अनलॉक करते हो तो वो खुल जाते हैं, लॉक करते हो तो बंद हो जाते हैं। तो इसमें चिप का यूज होता है, तो उस एक चिप को अब फॉक्सवैगन और स्कोडा यूज नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर एक कार के अंदर। इसका कोई भी वेरिएंट आप ले लो, उसमें आपको ऑटो फोल्ड ORVMs अब नहीं मिलने वाले, मैनुअली आपको उनको खोलना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी, छोटी सी ही सही लेकिन एक निराशाजनक न्यूज है स्कोडा कुशाक और फॉक्सवैगन टाइगन लवर्स के लिए। आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी न्यूज पर। तो इसुजु ने अपनी वी क्रॉस पर 2 लाख रुपए का प्राइस हाइक कर दिया है इंडिया के अंदर। जी हाँ, इसुजु ने बहुत तगड़ा वाला प्राइस हाइक किया है भाई, यहाँ सीधे सीधे 2 लाख रुपए का। बाकी एक्चुअल जो भी अब रेट है, जो भी अब प्राइस चल रहा है आपकी सिटी में, वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, लेकिन एक शोरूम पे 2 लाख रुपए बढ़ चुके हैं, जिससे कि रजिस्ट्रेशन में भी फर्क पड़ेगा, इंश्योरेंस में भी फर्क पड़ेगा, गाड़ी काफी महंगी होने वाली है। अगली जो तीसरी न्यूज आ रही है वो है भाई जीप की तरफ से। जीप इंडिया 2022 के अंदर 2 गाड़ियां लॉन्च करने वाला है, के बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जीप कंपास ट्रेल हॉक 2022 आने वाली है। जी हाँ, ट्रेल हॉक 2022 जीप लॉन्च करने वाला है। इसको मार्च 2022 यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर शायद लॉन्च कर दिया जाएगा, ऐसी एक्सपर्ट लोग उम्मीद जता रहे हैं। ये जो है फुली फीचर लोडेड कार होने वाली है, काफी दमदार आपको इंजन मिलने वाला है, पावर भी अच्छी खासी मिलेगी। अगर पावर की बात कर लें तो भाई इसमें 170 bhp की आपको पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगी ये गाड़ी, इसका जो इंजन है वो। बाकी फीचर सारे आपको इसके अंदर मिली जाएंगे और एक्सपर्ट्स के अनुसार जो इसका प्राइस रहने वाला है वो हो सकता है 30 से 35 लाख की कैटेगरी में इसको लॉन्च किया जाएगा। फरवरी लास्ट से लेके मार्च लास्ट के बीच में इसको मार्केट में उतार दिया जाएगा। दूसरी जो गाड़ी है 2022 के लिए जीप की, वो है जीप मेरिडियन। ये 7-सीटर SUV होने वाली है जीप की तरफ से। इसमें भी 2 लीटर का डीजल इंजन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इस गाड़ी में आपको हाइब्रिड सिस्टम भी देखने को मिल सकता है। जी हाँ, जैसी टेक्नोलॉजी आपको मारुति की गाड़ियों में मिलती है ना, हाइब्रिड की सीट के नीचे बैटरी होती है, जब गाड़ी आइडल कंडीशन में है तो बैटरी से चलती है, तो वो हाइब्रिड सिस्टम आपको जीप की मेरिडियन में भी देखने को मिल सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम जो है काफी हमारा फ्यूल बचाने में सहायक साबित हो जाता है। बात करें इसके एक्सपेक्टेड लॉन्च की, तो इसकी उम्मीद जताई जा रही है कि मिड 2022 मतलब जून के आसपास इसको जीप इंडियन मार्केट में उतार सकता है। बात करें अगर प्राइस की, तो एक्सपर्ट्स के अनुसार इसका प्राइस भी 28 से 35 लाख रुपए के बीच में हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये 35 से ऊपर तक जा सकती है। बाकी सही रेट लॉन्च होने के बाद ही हमें पता चलेगा। अगली जो न्यूज आ रही है भाइयों वो है टाटा की तरफ से। स्पेशली यहाँ पर मैं बात करूँ तो टाटा के जो ईवी लवर्स हैं या फिर जो ईवी गाड़ी का वेट कर रहे हैं, नई नई गाड़ियां कब आए, उनके लिए एक अच्छी खबर यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं टाटा के अल्ट्रोज में पेट्रोल इंजन की। तो इसका जो पेट्रोल इंजन है 1.2 लीटर, उसमें आपको जल्द ही ऑटोमेटिक वर्जन देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर आपको 7-स्पीड DT1 डुअल क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये नया ट्रांसमिशन अल्ट्रोज के अंदर हमें काफी जल्दी देखने को मिल सकता है। टाटा इस पर लगभग काम पूरा कर चुका है और उम्मीद है काफी जल्दी इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। वहीं अगर आप एक नई ईवी का इंतजार कर रहे हैं तो आपका वेट खत्म होने वाला है। जी हाँ, तो टाटा यहाँ पर अपनी अल्ट्रोज का ईवी वर्जन काफी जल्दी लेकर आने वाला है। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये जो है जुलाई अगस्त तक मार्केट में इसको उतार देगा टाटा। बाकी देखते हैं कब उतारता है, लेकिन ये काफी अच्छी गाड़ी रहने वाली है ईवी के ऑप्शन में। ये कमाल कर सकती है मार्केट के अंदर, क्योंकि अभी तक जो है आपको एक तो टिगोर देखने को मिल जाती है, नेक्सॉन देखने को मिल जाती है, लेकिन एक हैचबैक जो है हमें ईवी के अंदर टाटा की तरफ से देखने को नहीं मिली है। तो ये फर्स्ट ईवी होने वाली है टाटा की तरफ से हैचबैक की कैटेगरी में। अब आगे बढ़ते हैं अपनी लास्ट न्यूज पर, जो कि फिर से है टाटा की तरफ से। जी हाँ, यहाँ पर भी कुछ भाइयों को निराशा हो सकती है।
क्योंकि टाटा की पंच जो कि सबसे ज्यादा तहलका मचा रही है आज के टाइम में इस सेगमेंट के अंदर, वहां पर प्राइस हाइक हो चुका है। जी हाँ, सबसे ज्यादा प्राइस हाइक हमें देखने को मिला है इसके बेस और सेकंड बेस वेरिएंट पर, मतलब प्योर और रिदिम प्योर के ऊपर। तो सबसे ज्यादा डिमांड भी इसी की है, क्योंकि बजट के अंदर एक अच्छी खासी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी देखने को मिल रही थी, लेकिन इस पर डिमांड इतनी ज्यादा है कि टाटा ने इसी के ऊपर सबसे ज्यादा प्राइस बढ़ा दिया। तो प्योर और प्योर रिदिम के ऊपर आपको 16,000 रुपए अब एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे 18 जनवरी के बाद में। अगर 18 जनवरी या उससे पहले आपने गाड़ी बुक कराई है तो वहां पर टाटा आपको प्राइस प्रोटेक्शन दे रहा है, मतलब उस पीरियड की गाड़ियों पर जो उस पीरियड की बुक्ड कार्स हैं उनके ऊपर आपको बढ़ा हुआ पैसा नहीं देना, लेकिन 18 जनवरी के बाद जिन लोगों ने बुक कराई है उनको ये 16,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने होंगे। वहीं अगर इन दो वेरिएंट्स प्योर और रिदिम को छोड़कर बात करें तो अन्य वेरिएंट्स पर 11,000 रुपए टाटा ने बढ़ाए हैं। वहीं जो टॉप एंड वेरिएंट है इसका क्रिएटिव और क्रिएटिव एरा के नाम से, उस पर 10,000 रुपए कम भी कर दिए हैं। जी हाँ, तो अगर आप इसका टॉप एंड वेरिएंट लेना चाहते हो तो 10,000 रुपए का आपको जो है यहाँ पर छूट देखने को मिल जाएगी। हालांकि टॉप एंड वेरिएंट जो है काफी कम लोग ले रहे हैं, सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो प्योर और रिदिम प्योर की है, तो वहां पर टाटा ने पैसे बढ़ा दिए हैं, और जिसकी डिमांड नहीं है या कहें हम बहुत कम है वहां पर 10,000 रुपए कम भी कर दिए। बाकी 18 जनवरी तक जिसने गाड़ी बुक कराई है उसको प्राइस प्रोटेक्शन मिलने वाला है, तो आप टेंशन मत लेना, आपको बढ़ा हुआ पैसा बिल्कुल नहीं देना, ये एक अच्छी चीज करी है टाटा ने यहाँ पर। तो ये था भाई आज के लिए एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो और जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आ गया हो तो उसको लाइक कर देना, बाकी अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।